समाज सेवी सतीश राज देशवाल चीन में शहीद उधम सिंह कुश्ती अकादमी की नींव रखने के लिए पहुंचे। इसके बाद जींद हलके में जनसंपर्क अभियान के दौरान सतीश राज देशवाल ने कई गांव में दौरा किया। जजवान गांव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को पुष्प अर्पित करते हुए अपने संबोधन में देशवाल ने कहा कि बहुत सारी सामाजिक समस्याएं हैं। आज बेरोजगारी की समस्या चरम सीमा पर है। आज बेरोजगारी की हालत इस कदर है कि एक चपरासी की नौकरी के लिए पीएचडी होल्डर कैंडिडेट लाइन में खड़े हैं। सभी पार्टियां 1% सरकारी नौकरी की बात करते हैं और 99% के लिए सरकारी नौकरी नहीं है, और हर पार्टी 1% सरकारी नौकरी की ही बात करती आई है और उसी के लिए गुणगान करते फिरते हैं। हालात सुधारने के लिए कोई भी पार्टी काम नहीं करती। सरकारी स्कूलों की शिक्षा को बदतर बनाने का काम इस समय हो रहा है। सरकारी स्कूलों में रसोई घर बनाने का काम किया जा रहा है। इन्हीं बदतर व्यवस्थाओं को सुधार कर परिवर्तन लाकर दिखाना चाहता हूं। जनता का आशीर्वाद मिला तो लोकसभा की सूरत बदल कर दिखाऊंगा। सोनीपत से श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट। उनको कोई चिंता नहीं, बहुत सारी सामाजिक समस्याएं हैं जिनके लिए मैं काम करता हूं और उन्हीं के लिए कोशिश में चीजों को अच्छा बनाना। बेरोजगारी का आलम चरम सीमा पे, अभी आपके सामने डी ग्रुप की नौकरियां निकली 18,000 नौकरियां, लेकिन आवेदन कितने आए? 18,00,000। सरकार ने 18,000 को नौकरी, मैं कहता हूं 17,00,000 BSc को नहीं दी, उनको भी चाहिए थी, उन्होंने भी आवेदन किया था, उसमें PhD भी, MBA भी, इंजीनियर भी, दुनिया भर के डिग्री होल्डर, और एक छोटी सी नौकरी PM के बराबर, चपरासी के बराबर। ये हाल है बेरोजगारी का, ये आलम कर दिया इन लोगों, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही बात है, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, जो केवल 1% है। स्टेट की सेंटर की दोनों मिला रहे, गवर्नमेंट जॉब केवल 1% है, 99% को गवर्नमेंट जॉब नहीं, काम करना चाहिए 99% के, लेकिन काम करते हैं 1%। सारी पार्टी में बात कर रहा हूं, हम काम करते हैं 99% कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, पढ़े लिखे। ये सरकारी स्कूलों के हालात इन्होंने बच्चे बदतर बना दिए। HRD मिनिस्टर को बोल किया क्या, बच्चों का एग्जाम लो, उनको तैयार करो, प्रमोट करो, लेकिन क्या बच्चे को ऐसे आगे बढ़ा बढ़ा के 10वीं पहुंचा दे? और 3-4 दिन पहले एक मीडिया वायरल हो रखा था, देखा होगा ये बच्चों ने, एक पुलिस वाले भाई को 4-5 जने मिलकर पीट रहे थे। क्यों मैं कह रहे वो नकल करने को प्रदेश में पीट रहे, ऐसी अराजकता का माहौल बना दिया इन लोगों ने। क्या होगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा 10वीं पास का नकलची सर्टिफिकेट, 12वीं पास का नकलची सर्टिफिकेट, उससे क्या होगा? ये जानबूझ के चाहते हैं कि गरीब का बच्चा गरीब रहे, आगे ना बढ़े, मजदूर का किसान का बच्चा गरीब रहे, वो पढ़े ना, ऐसी जाए जिसका मैं लगा चाहते नहीं है, विचारधारा सारे की सारे घर के सर्टिफिकेट।